ओम शांति। आज आपका 150वें दिन का ईश्वरीय वरदान, एंड इस वरदान में परमपिता परमात्मा हमें रिमाइंड करते हैं कि हम कहाँ हैं, कौन से स्टेज पर हैं और कौन से स्टेटस पे हैं। तो आज के वरदान में बाबा हमें बताते हैं कि अगर हम उस स्टेटस और उस स्टेज को भूल जाते हैं तो हम फिर से अपने पुराने संस्कार, पुरानी आदतों में फंस जाते हैं। हम क्रोध करने लग जाते हैं, अहंकार दिखाना शुरू कर देते हैं, राइट रॉन्ग का फैसला करना हम शुरू कर देते हैं भगवान बन करके, और फिर हम किसी से या ईर्ष्या या किसी से घृणा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं घड़ी घड़ी कि हम कौन से स्टेज पर हैं। और परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इस स्टेज पर तुम एक्टिंग कर रहे हो तो उसको मैं देख रहा हूँ और मैं ही तुम्हें टिक मार्क दूंगा, या वो तो हरा टिक मार्क होगा या लाल टिक मार्क होगा। तो बहुत ध्यान दे करके वो एक्टिंग करना, क्योंकि उस पर्दे पर जो एक्टिंग करने वाला या तो हीरो हो सकता है या तो विलन हो सकता है। तो अपने जीवन में हम किसी के लिए या हीरो हैं या विलन हैं, वो हमें चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखिए आज बाबा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति, संपूर्ण स्टेज कि मैं एक स्टेज पर हूं आत्मा और इस स्टेज पर मुझे किस प्रकार की एक्टिंग करनी है, और स्टेटस, मुझे स्टेटस कौन सा मिला है, भगवान का बच्चा। भगवान का बच्चा कैसा होता है, लोभी होता है, क्रोधी होता है, अहंकारी होता है, ईर्ष्या घृणा, औरों को नीचे दिखाना, औरों को गलत प्रूफ करना, अपने आप को ऊंचा रखना, अपने आप को अहंकार आप ऊपर रखते हैं, ऊंचा दिखाते हैं, या आप औरों को गलत दिखाते हैं, औरों को नीचे गिराते हैं, औरों को अपवित्र भाषा में बात करते हैं, अपवित्र सोच रखते हैं, उनकी गलतियां देखते हैं, उनकी गलतियों को फैलाते हैं औरों के साथ में। क्या करते हैं आप विलन हैं कि आप हीरो हैं? बाबा चाहते हैं उस चीज के स्टेटस को चेक करें। तो संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव, चाइल्ड ऑफ गॉड, परमात्मा का बच्चा या तो सपूत या तो कपूत हो सकता है। जैसे कि किसी का बच्चा सपूत या कपूत होता है, तो परमात्मा कहते हैं तुम मेरे सपूत बच्चे हो कि कपूत बच्चे हो। तुम्हारी हीरो एक्टिंग है तो सपूत हो, अगर तुम्हारी विलन वाली एक्टिंग है और को तंग करते हो, दुख देते हो, तो तुम कपूत हो। फिर उसके बाद में तुम चाहे जितना पाठ कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, तीर्थ कर लो, माला जप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि धर्म, धर्म मतलब मैं आत्मा अपने शांत धर्म, प्रेम धर्म, सुख धर्म, खुश धर्म, शक्ति धर्म और ज्ञान के धर्म में बैठ के कर्म करूं, तब मैं धार्मिक हूं। वो चाहे फिर आप यहाँ पे क्रॉस लगा लो या टीका लगा लो या कूफी लगा लो या पगड़ी पहन लो, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। परमात्मा कहते हैं बाहर के धर्म की बात नहीं है, अंदर के धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, कि आप धार्मिक हो कि नहीं हो। तो धर्म से करना कर्म बहुत जरूरी है। धर्म के नाम लेकर के मैं फलाने धर्म से हूं, उससे कोई असर नहीं पड़ता परमात्मा को। परमात्मा कहते हैं बाहर का रूप नहीं देखना तुम्हारा, तुम अंदर क्या सोच रहे हो, बोल रहे क्या हो, कर रहे क्या हो, वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमात्मा को धर्म राज भी कहते हैं, क्योंकि वो धर्म का राज के लॉज बनाते हैं, राजा लॉ बनाता है ना। तो परमात्मा राजा है धर्म का, और उसके हिसाब से वो बताता है राइट या रॉन्ग क्या है। फिर देखें आज विस्तार में बाबा कहते हैं सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। ये वर्ल्ड एक स्टेज है, एक पर्दा है। परमात्मा कहते हैं आप इस स्टेज में आप आगे आए, पर्दे से निकले, मतलब आप जैसे माँ की कोख से निकले, आप पर्दे के ऊपर आगे आगे और स्टेज पे खड़े हो गए। अब आपको कर्म करने, बचपन में आपको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब परमात्मा ने जब हमें ज्ञान दिया है कि पवित्र कर्म क्या है, अपवित्र कर्म क्या है, राइट सोच क्या है, बुरी सोच क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग तो बहुत ही दूर की बात है। परमात्मा कहते हैं वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं, मैं तुम्हें गहराई में लेके जाता हूँ। व्यर्थ संकल्प, अपवित्र संकल्प, परचिंतन वाले संकल्प, ये सारी चीजें आपकी नेगेटिविटी में आती हैं, बुरे कर्मों में आती हैं। उसका ज्ञान ब्रह्म कुमारीज में देते हैं बाबा के। फिर बाबा कहते हैं हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं, इसका ध्यान रहे। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। संपूर्ण मतलब क्या, कंप्लीट। मुझे ये गलत कर्म नहीं करना है, मुझे हीरो पार्टधारी बनना है। परमात्मा हीरो है पूरी दुनिया के, हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी उनके साथ मिलकर के हीरो पार्ट निभाना है। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति
रहने से वर्तमान स्टेटस क्या है? परमात्मा का बच्चा। परमात्मा का बच्चा क्या होता है? पवित्र होता है। और भविष्य में क्या बनने वाला हूं मैं? परमात्मा कहते हैं तुम्हें अगले जन्म के लिए तैयारी करनी है। लोग धन कमाते हैं लेकिन अगले जन्म में लेके नहीं जा पाते। लोग कपड़े धन संपत्ति यहाँ पर खरीदते हैं लेकिन अगले जन्म में लेके नहीं आते। लेके आ जाते हैं अपने संस्कार, अपनी सोच और अपने कर्म को अगले जन्म में लेके जाते हैं। तो तुम उस अगले जन्म भविष्य के लिए तैयारी करो और अभी वर्तमान में ध्यान दो कि कौन सा पार्ट निभा रहे हो। तुम ईवल या हीरो, विलन का या हीरो का पार्ट, कौन सा अभिनेता हो उसको चेक करो। फिर बाबा कहते हैं यदि दो स्मृतियां बाप समान, यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी, इनका ध्यान देंगे तो बाप समान। बाप नहीं बन सकते, आप बाप नहीं हो, मैं बाप नहीं हूं, परमात्मा बाप है। हम सब आत्माओं का, हम कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है, परमात्मा कहते हैं सबके अंदर अगर भगवान है तो सबके सब बच्चे क्या हो जाए? पिता बन जाए, सर्व आत्मा के पिता। तो क्या मैं अपने आप को आपका पिता कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। शरीर के पिता अलग हैं लेकिन मैं आप आत्मा का पिता नहीं हूँ। हम आत्मा के पिता अलग हैं। मेरे अंदर भगवान नहीं है लेकिन मेरे अंदर भगवान के गुण और शक्तियां हो सकती हैं। आपके अंदर परमात्मा की गुण शक्तियां हो सकती हैं। तो मेरे अंदर भगवान और मेरे अंदर भगवान की गुण शक्तियां, आपके अंदर भगवान, आपके अंदर भगवान की गुण शक्तियां, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? तो सबके अंदर भगवान नहीं है, सबके अंदर भगवान के कुछ ना कुछ गुण हैं, लेकिन बुरे कर्म करने के कारण वो गुण अब कम होते गए हैं। 24 कैरेट का सोने जैसी आत्मा के अंदर बहुत सारा खाद घुस गई है, मतलब निकल घुस गया, कैडमियम घुस गया, सिल्वर घुस गया, तो 24 कैरेट की वैल्यू घटती जाती है। उसी तरीके से हमारे अपवित्र संकल्पों के कारण हम सोने जैसी 24 कैरेट जैसी आत्मा की क्वालिटी भी क्या होती गई? घटती गई। किसकी नजर में? परमात्मा की नजर में तो घटी घटी, इंसानों की नजर में भी घटी। परमात्मा कहते हैं आप अपवित्र बन चुके हो, तो अब अपने आप को पवित्र बनाओ हीरो स्टेजधारी बन करके। आगे देखें बाबा कहते हैं समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही चेक कर लेंगे। हम बोलते हैं कि भगवान जानता है मुझे, भगवान मुझे समझता है, क्या मतलब है उसका? आत्मा टेलीपैथिक थॉट्स, तरंगों के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट कर सकती है। आप चाहे मुख से भजन गाएं, चाहे ढोलकी बजाएं, भगवान के कान नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं जो कि उनको सुनाई देगा वो सब कुछ, या उनके ऊपर आप दूध चढ़ाएं तो वो पीते हैं, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे मन के पवित्र संकल्प की फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती है तभी वो मुझ तक पहुंच पाती है। तुम्हारे अंदर अगर अहंकार है, घृणा है, नफरत है, तो तुम्हारी संकल्पों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अपवित्र है, तो वो मुझ तक पहुंचती नहीं है। जब तक तुम घृणा, नफरत, क्रोध, अहंकार नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें मेरी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मतलब हमारे मन के अंदर अहंकार घटेगा तब परमात्मा हमारे जो बोल हैं, मन के बोल, मुख के नहीं, उनको सुन पाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, उनके संकल्पों की शक्ति बहुत पवित्र है, वहां तक पहुंचने की बात है। तो बाबा कहते हैं समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। तो अगर हमारे संकल्प भी पवित्र होंगे तो हम एक दूसरे के संकल्पों को पहचान पाएंगे। माता पिता बच्चों के संकल्प, बच्चे माता पिता के संकल्प, हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड के संकल्पों को पहचान पाएगी कि चाहिए क्या, तब जाकर के तो संबंध अच्छे होंगे। किसी को गिफ्ट खरीद देना, किसी को धन दे देना, उससे कोई संबंध अच्छे नहीं होते हैं। बार बार हम और भारी होते जाते हैं, उनको भी भारी करते जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम एक दूसरे के संकल्प तभी पहचान पाएंगे जब हम अपने संकल्पों को पवित्र बनाएंगे। फिर परमात्मा क्या कहते हैं देखें, इसके लिए क्या करना है? सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ये नहीं कि क्रोध आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता आपके कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा को भी भूल चुके, अपनी स्टेज को भी भूल चुके, कौन सी स्टेज पर हो, और स्मृति भी भूल गए कि बनना क्या है, करना क्या है। हम छोटी छोटी बातों में फंसते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं रखते हैं, वो पूर्ण नहीं होती हैं, कोई कोई गलती करता है तो हम बहुत क्रोधित या अहंकारी या ईर्ष्या में आ जाते हैं या घृणा में आते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम तो विलन बन गए, तुम तो हीरो बनने के लिए आए थे मेरे पास, तुम क्या बन गए? विलन बन गए। अब इसका तो फल मिलेगा, मन की अशांति तो होगी होगी। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। उसको कैसे करना है? मेडिटेशन के द्वारा, और अपने संकल्पों की मिक्सचर ही ना हो, मिक्सचर ना हो संकल्पों में। जैसे कि सोने में मिक्सर डाल दो तो उससे कैरेट गिर जाता है, तो अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा के संकल्प करने से मिक्सचर बन जाता है, तब हम औरों को पहचान नहीं पाते, और क्या चाहते हैं हमसे वो पहचान नहीं पाते, औरों के संकल्पों को पहचान नहीं पाते। तभी कहते हैं ना, हमें आपके साथ में जो पहले के जो महसूसता थी, लिंक थी रिलेशनशिप में, वो टूटती जा रही है,
आई कांट अंडरस्टैंड दिस पर्सन, मैं इस इंसान को पहचानती नहीं हूं आपसे, तो क्या, कौन सा पहचान? वो पहचान, पवित्र या अपवित्र। तो आज का ये वरदान आप बहुत अच्छी से इसको सुनिएगा फिर से और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करिएगा। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।